आप देख रहे हैं KSN 24 न्यूज, पल पल की खबर। मुख्यमंत्री पहुंचे जांजगीर, आम जनता को दी गई करोड़ों की सौगात। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दौरा पूरे प्रदेश में जारी है। दो दिवसीय कोरबा प्रवास के बाद मुख्यमंत्री जांजगीर चांपा पहुंचे। मुख्यमंत्री को उड़न खटोला जिले के ग्राम करमंदी में उतरना था, जहां उनके द्वारा गौठानों का निरीक्षण करने के साथ महिला स्व सहायता समूहों से मुलाकात करना था, लेकिन उनका यह कार्यक्रम स्थगित हो गया और वो सीधे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने 1083 करोड़ रुपयों के विकास कार्यों का लोकार्पण, भूमि पूजन सहित कई कार्यों का शिलान्यास किया। कार्यक्रम के दौरान मौके पर मुख्यमंत्री के साथ ही विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव, कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत मौजूद रही। कार्यक्रम के दौरान मौके पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। अभी विधायक साथी मन कुछ मांग दे, विधायक जी सिंचाई पर, राम कुमार यादव जी सिंचाई पर बड़ा चिंता करा थे, 3 ठक नहर के संधारण करे पर मांग करे, मैं तीनों के घोषणा करा था और तीनों नहर संधारण करे ताकि अंतिम छोर तक के किसान मन के खेत में पानी पहुंच सके। और 1 ठक मांग जेल राम कुमार शुरुआत करीस, जेकर बारे में चंद्रा जी भी समर्थन करी, जेकर बारे में हिंदू बहन भी समर्थन करी, जेकर बारे में हमार स्वास्थ्य मंत्री जी भी संकेत में आपसे बात करे, तो चरण भैया भी के आदेश हो है, तो अगला जब मेडिकल कॉलेज हमारा मिले ही हमारे यहाँ वही, तो निश्चित रूप से जांजगीर जिला में मेडिकल कॉलेज खुली। ये बात कहते हुए आप सब बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देते हुए अपन वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। ब्यूरो रिपोर्ट, KSN 24।